हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है। ये ईस्टर्न रीजियन ट्रांसमिशन सिस्टम 2 के पार्ट है, जिसका हेड ऑफिस हम लोगों का कोलकाता पर है। तो ये जो आज का पावर ग्रिड का जो वैकेंसीज आया है, इसका रिक्रूटमेंट होगा कोलकाता में। तो बेसिक कुछ चीज़ें जो आप लोगों को जानना है, जितने सारे ITI डिप्लोमा और BTEC कॉम्प्लीटेड स्टूडेंट्स हो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में कितने सारे वैकेंसीज है, वो उसके लिए कितने सारे क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है, सैलरीज कितने, ये सारे जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है। और जो इस चैनल पर नए हो उन लोगों को मुझे कहना है, इस चैनल को आगे ले जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोगों का आज का नोटिफिकेशन पर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज ईस्टर्न रीजियन ट्रांसमिशन सिस्टम 2 में जो रिक्रूटमेंट होगा वो अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट होगा। जो नोटिफिकेशन आया था 14 जुलाई 2021 को, पहले जो इम्पोर्टेंट आप लोगों का नोट्स है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं 21 जुलाई 2021 से 20 अगस्त 2021। तो अप्रेंटिसशिप जिस ट्रेड के लिए होगा, ITI इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, HR एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। तो फर्स्ट कितने सारे वैकेंसीज है, ITI इलेक्ट्रिकल में टोटल वैकेंसीज है 10, जनरल के लिए है 5, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 2। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में टोटल वैकेंसीज है 20, जनरल के लिए है 10, SC के लिए 5, ST के लिए 1, OBC के लिए 4। डिप्लोमा सिविल का टोटल वैकेंसीज है 10, जनरल के लिए है 5 वैकेंसीज, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और OBC के लिए 2। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल में टोटल वैकेंसीज है 15, जनरल के लिए है 8, SC के लिए 3 और OBC के लिए 4। ग्रेजुएट सिविल के टोटल वैकेंसीज है 3, जनरल के लिए है 1, SC के लिए 1 और OBC के लिए 1। ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के लिए है टोटल वैकेंसीज 3, जनरल में है 2 वैकेंसीज, SC के लिए है 1 वैकेंसीज। ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में टोटल वैकेंसीज है 2, जनरल के लिए है 1, SC के लिए 1 और HR एग्जीक्यूटिव के लिए टोटल वैकेंसीज है 3, जनरल के लिए है 2 और OBC के लिए है 4। तो टोटल वैकेंसीज इस पावर ग्रिड में है 66। अब हम लोग आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोगों को क्या होना चाहिए। ITI इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI इन इलेक्ट्रिकल फुल टाइम कोर्स, स्टाइफेन है इसमें 11,000। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में क्वालिफिकेशन होना चाहिए फुल टाइम 3 ईयर कोर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्टाइफेन है इसमें 12,000। डिप्लोमा सिविल में क्वालिफिकेशन होना चाहिए फुल टाइम 3 ईयर कोर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, स्टाइफिन है इसमें 12,000। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल में फुल टाइम 4 ईयर कोर्स होना चाहिए BE, BTEC, BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्टाइफिन है इसमें 15,000। ग्रेजुएट सिविल में फुल टाइम 4 ईयर कोर्स के BTEC, BE होना चाहिए सिविल में, स्टाइफिन है इसमें 15,000 पर मंथ। ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए फुल 4 ईयर कोर्स होना चाहिए BE, BTEC, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें स्टाइफेन आप लोगों का है 15,000। ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस फुल टाइम 4 ईयर कोर्स BE, BTEC या BSc इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, स्टाइफेन है इसमें 15,000। और HR एग्जीक्यूटिव में होना चाहिए MBA, MSW, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 ईयर फुल टाइम कोर्स, स्टाइफिन है इसमें 15,000। अब कुछ जो कैंडिडेट्स को जानना चाहिए, कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप इन एनी केस अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन, नॉट कंप्लीटेड द 18 ईयर्स ऑफ एज, अंडरगन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी ड्यूरेशन, जॉब एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर। इसके बाद लास्ट जो हम लोग आते हैं कि कैसे करके सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होगा, तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स
obtained in the prescribed qualification applicable to the respective trade. आप लोगों का मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप लोग. शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इंटीमेटेड थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. तो शॉर्ट लिस्टेड जितने सारे आप लोग कैंडिडेट होंगे, बाद में आप लोगों का मेल में ये बताया जाएगा कि आप लोग शॉर्ट लिस्टेड है. उसके बाद आप लोगों को जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है ये आप लोगों का वेरिफिकेशन करेगा. और एक चीज़ है लास्ट में, नो डी ए डी एस एल बी पेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो जिस दिन आप लोग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए जाएंगे, कोई भी टी ए या डी ए आप लोगों को नहीं मिलेगा. लास्ट, अप्लाई ऑनलाइन. तो फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि कैसे करके आप लोग अप्लाई करोगे. तो कैंडिडेट शुड फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ एज अ कैंडिडेट इन द वेबसाइट ऑफ अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट ओ आर जी या पोर्टल डॉट एम एच आर डी एन ए टी एस डॉट गॉव डॉट इन. तो ये दोनों जो वेबसाइट है इसमें जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. या तो आप लोग पावर ग्रिड का जो डिटेल्स है यहाँ पर www.powergrid.in कैरियर्स, फिर आप लोग रोनिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट और अप्रेंटिसशिप, देन आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट डेट, ओपनिंग डेट है आप लोगों का 21 जुलाई 2021, क्लोजिंग डेट है 20 अगस्त 2021. अगर कोई भी आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, तो आप लोग मेल कर सकते हैं apprenticeship@powergrid.co.in. तो यही था आज का हम लोगों का इसी चैनल की तरफ से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़. तो आज का ये न्यूज़ हम लोगों का इतना तक. थैंक यू.